हेलो माय स्वीट फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस जर्नी बाय अंजलि में आपका स्वागत है। कि आप सबको पता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जर्नी आप सबके सामने लाती हूँ वीडियो के थ्रू, कि मैंने कैसे वेट लॉस किया, 2 मंथ में 20 kg कैसे लूज किया। तो थोड़े छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने ग्रीन टी यूज़ किया था अपने वेट लॉस जर्नी में, और अभी भी कैसे यूज़ करती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ, वो शेयर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए चलते हैं, उसे बनाते कैसे वो देख लेते हैं। और ये पानी मेरा तीनों टाइम का है, मैं हर मील के बाद ग्रीन टी लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो मैं तीनों एक बार में बना के रख लेती हूँ, और जब पीना होता है तो गर्म करके पी लेती हूँ। तो इसमें यूज़ क्या क्या करने वाले वो देख लेते हैं, तब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है। ये है ग्रीन टी, ये मैंने 32 बार से मंगाया है। ग्रीन टी में कैफीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो फैट बर्न करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे फास्ट वेट लॉस होता है। और ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर से फाइट करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन के लिए अच्छा है, डाइजेशन में हेल्प करता है, वेट लॉस में, डिप्रेशन में, स्किन के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए अच्छा है ग्रीन टी। लेमन ग्रास है ये, लेमन ग्रास में विटामिन ए, सी, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल्स, कैंसर विरोधी, एंटी डिप्रेशन गुण से भरा है। इसमें एंटीसेप्टिक कंपाउंड होते हैं, जो पेट के बैक्टीरिया को और पैराराइस को मारते हैं, और अच्छे बैक्टीरिया को, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कफ, फीवर और जुकाम के लिए फ़ायदेमंद है। ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है कोलेस्ट्रॉल। और ये ले रही हूँ अदरक, 1 टेबल स्पून अदरक है कद्दूकस किया हुआ। अदरक में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सोलेनियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन वी 6, विटामिन ई, विटामिन के और फॉलिक एसिड पाया जाता है। अदरक डाइजेशन में, कब्ज में, पेट दर्द में, पेट के ऐंठन मरोड़ में, कैंसर से फाइट करता है, अल्जाइम में, माइग्रेन में, कोलेस्ट्रॉल में, ब्लड प्रेशर में को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ में, वेट लॉस में, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ता है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। और यहाँ पे ले रही हूँ 2 चुटकी हल्दी है। हल्दी में एंटी सेप्टिक गुण होते हैं, एंटी ट्यूमर, एंटीवायरल गुण होते पाया जाता है। हल्दी लीवर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर से फाइट करता है, वेट लॉस में, डाइजेशन में, डिप्रेशन, खांसी, जुकाम में फ़ायदा करता है। ये 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर है। काली मिर्च में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये मेमोरी इन्हेंस करते हैं, पेन रिलीव करता है, ये डाइजेशन में, सर्दी खांसी में, कैंसर से फाइट करता है, वेट लॉस में, कोलेस्ट्रॉल में, डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जॉइंट पेन लिए अच्छा है, स्किन के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो ये सारे मैं ये 2 स्लाइस नींबू का ले रही हूँ। नींबू में विटामिन से भरपूर है। इसमें थियामीन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन ई, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक पाए जाते हैं। नींबू किडनी स्टोन में, डाइजेशन में, डायबिटीज में, इम्यूनिटी सिस्टम को, कैंसर से फाइट करता है, ब्लड प्रेशर में, स्किन के लिए और बालों के लिए अच्छा होता है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक डालूंगी। ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है, साथ साथ सब कुछ मैं डालते जाऊंगी। ये नींबू का 2 स्लाइस है, इसे भी डाल दूंगी मैं। ग्रीन टी, लेमन ग्रास और ये 2 चुटकी हल्दी और काली मिर्च, और ये
अच्छे से इसको मिक्स करके इसे ढक करके गैस बंद कर देते हैं। ग्रीन टी हमारा अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गया है, इसे हम अब छान लेंगे। ये देखिए हमारा ग्रीन टी तैयार है, इसे वार्म सिप सिप करके पीना है गरम गरम ही। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है इसे बनाना, जैसे आप नॉर्मल ग्रीन टी बनाते हो उसी तरह से बनाना, बस एक दो इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर लेना है उसमें। और ये बहुत अच्छा टेस्ट भी इसका है, नींबू का जो स्लाइस इसमें डालते हैं ना वो हमारे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो आप एक तरह से ग्रीन टी ले लेके बोर हो चुके हो एक टेस्ट में, तो आप फ्लेवर डालो लेमन ग्रास का ग्रीन टी का, आप मिंट लीव्स भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे करने से आपका वेट लॉस भी फास्ट, मुझे इस ड्रिंक से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप लोग भी बहुत जल्दी वेट लॉस, फास्ट वेट लॉस चाहते हो तो हर मील के बाद ग्रीन टी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दी वेट लॉस करना चाहते हो तो ब्रेकफास्ट के बाद एक घंटे बाद लेना है, लंच के एक घंटे बाद लेना है और डिनर के एक घंटे बाद लेना है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि इसे लेना कैसे है, और ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है वेट लॉस में। ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फैट बर्न करने में और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो जिनके भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है ना, उनका वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखिए ताकि वेट लॉस जल्दी हो। तो ये तो छोटा सा टिप्स था, छोटा सा ड्रिंक था, आप कैसे जल्दी वेट लॉस कर सकते हो। और इसके अलावा आपको मैं हर वीडियो में अपना 5 नियम बताती हूँ, उसे ज़रूर फॉलो करो ताकि आपका वेट लॉस और जल्दी हो। तो वो 5 नियम क्या है वो मैं बता देती हूँ। जो भी आप, पहला नियम ये है कि आप जो भी खाते हो 32 टाइम च्यू करके खाना है, छोटे छोटे बाइट लीजिए उसको मुंह में, जब तक वो खाना, मुंह का जो खाना है वो पानी नहीं बन जाता, उसको च्यू करना है और पानी बनने के बाद ही पेट में ले जाना, और हर मील को 30 टाइम देना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन उसको टाइमिंग धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाइए। पहले आप 10 मिनट में खाना फिनिश करते हो, तो धीरे धीरे कोशिश करिए 15 मिनट में फिनिश करने का, फिर धीरे धीरे 20 मिनट में फिनिश करिए, फिर 30 मिनट आप कर दीजिए। टाइम लेके खाइए आप, और उसको च्यू करके इंजॉय करके खाने को टेस्ट अच्छे से लीजिए। तो ये पहला नियम है कि जो भी खाते हो 32 बार च्यू करके खाइए। और दूसरा ये नियम है कि जब भी आप पानी पीते हो पानी को घूट घूट करके पीना है। ये नहीं कि आप ग्लास बॉटल लिए और गट गट करके पी जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने का नियम जो पानी पीने का है वो हमेशा सिप सिप करके पानी पीजिए। जैसे आप गर्म दूध पीते हो, गर्म कॉफ़ी पीते हो, उसी तरह से सिप सिप करके पानी पीना है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। भोजनांते विषमवारे, भोजन के अंत में पानी पीना बीस के समान है, इसीलिए 1 से 2 घूंट आप पी सकते हो, लेकिन ज़्यादा पानी 2 से 3 से 4 गिलास आप पानी गट गट करके खाना खाने के बाद पी ले तो ये बहुत नुकसान करता है हमारे बॉडी को। और चौथा नियम ये है कि आप फ्रीज का ठंडा पानी नहीं लेना है। वेट लॉस जर्नी में हो आप और पूरे लाइफ फिट एंड हेल्दी रहना चाहते हो तो फ्रिज का पानी अवॉइड करिए, आप नहीं लेना है आपको। और पांचवा नियम ये है कि आपका जब भी सुबह होता है, आप जब भी उठते हो 3 से 4 गिलास पानी, नॉर्मल पानी लो आप या गर्म पानी लो, लेकिन सुबह में बासी मुँह 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। तो ये 5 नियम आपको अपनाने हैं, साथ में 30 से 40 मिनट वर्कआउट करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक करो, योगा करो, रनिंग कर लो, आप कुछ भी करो, लेकिन 30 से 40 मिनट ज़रूर अपने रूटीन में लाओ योगा एक्सरसाइज को। और उसके बाद जो ये मैंने ड्रिंक बताया है ग्रीन टी, एंड एक और ड्रिंक है वो मेरा मैजिकल ड्रिंक, वो भी ले सकते हो। और 32 बार वाला फॉर्मूला अपना के बहुत सारे ऐसे हजारों से हजारे लोग हैं जो वेट लॉस कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये फार्मूला को आम फार्मूला मत समझो, ये बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त फार्मूला है जिसे अपना के बहुत सारे लोगों ने अपना वेट लॉस किया है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जय 32 बार।